नमस्कार दोस्तों, मैं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज इस वीडियो में बात करते हैं विंडो ब्लाइंड्स के बारे में। आप लोगों ने हमारा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हर तरीके की ब्लाइंड्स हमने दिखाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं यहां कहीं पे उसका एक लिंक डाल दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका एक लिंक डाल दूंगा, तो प्रॉपर सारे जो जितनी भी तरीके की ब्लाइंड्स होती है वो हमने दिखाई हुई है, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। विंडो ब्लाइंड्स का मतलब होता है खिड़कियों पे लगाए जाने वाले जो फर्निशिंग का जो आइटम होता है, जो पर्दा होता है, उसके अलावा और भी एक पूरा सिस्टम आता है, उसे विंडो ब्लाइंड्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग तरीके की विंडो ब्लाइंड्स के बारे में। वगैरह से आपको अगर प्रॉपर डिटेल में देखना हो तो वो जो वीडियो मैं लिंक में दूंगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी एक बार आपको शॉर्टकट में मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो ब्लाइंड आती है वो है वेनिशियन ब्लाइंड। वेनिशियन ब्लाइंड्स में पट्टियां लगी हुई होती है। नॉर्मली जब ब्लाइंड स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले यही ब्लाइंड आई थी और वो एल्युमिनियम की पट्टियां होती थी जो ऐसे टिल्ट हो जाती है और ब्लाइंड को आप ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं, पूरी नीचे उतार सकते हैं, बीच में भी रोक सकते हैं। इसी में वेनिशियन ब्लाइंड में एल्युमिनियम की पट्टियों की जगह आजकल लकड़ी की वुडन जो स्ट्रिप्स होती है वो भी आती है और वो बहुत पॉपुलर है, बहुत एलिगेंट और बहुत प्रीमियम दिखती है। फिर इसके बाद आती है वर्टिकल ब्लाइंड्स जिसमें लंबी लंबी पट्टियां लटकती रहती है और उसको आप टर्न कर सकते हैं और एक तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आती है रोलर ब्लाइंड। रोलर ब्लाइंड में पूरी एक फैब्रिक है, वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, बीच में कहीं पे भी रोक सकते हैं। और रोलर ब्लाइंड में बहुत अच्छी वैरायटी आती है, अलग अलग तरीके के कपड़े आते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स आते हैं, और जब से ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई है तब से इसमें अलग अलग तरीके की प्रिंट्स भी आने लग गई है। तो अगर आप इसके कपड़े की बात करें तो सबसे जो बेसिक कपड़ा आता है उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट फैब्रिक। ट्रांसलूसेंट फैब्रिक में क्या होता है, थोड़ी लाइट हल्की सी जैसे साधारण कपड़े से जैसे लाइट छन के आती है वैसे आ जाती है। दूसरा जो फैब्रिक आता है वो आता है उल्टा ब्लैकआउट, जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आती। जो मेरे पीछे जो ब्लाइंड्स लगी हुई है ये ब्लैकआउट फैब्रिक में बनी हुई ब्लाइंड्स है, तो इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई भी लाइट अंदर नहीं आ सकती। जहां पे आपको बिल्कुल प्राइवेसी करनी हो या कहीं पे भी आपके बहुत तेज धूप आ रही हो उसको रोकना हो तो आप ब्लैकआउट ब्लाइंड्स लगा सकते हैं। फिर एक बहुत अच्छी ब्लाइंड्स आती है जिसे कहते हैं सनस्क्रीन ब्लाइंड्स। अगर आपकी साउथ फेसिंग खिड़की नहीं है तो बाकी तीन डायरेक्शन में अगर आपकी खिड़कियां हैं तो उसमें आप सनस्क्रीन ब्लाइंड लगा सकते हैं। सनस्क्रीन ब्लाइंड में अलग अलग जो क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी की कॉम्बिनेशन आता है और ये जो सनस्क्रीन ब्लाइंड होती है बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आपके बहुत तेज उस एरिया से धूप नहीं आ रही हो तो और सनस्क्रीन ब्लाइंड्स आप यूज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अलावा जो प्रिंटेड जो फैब्रिक आने लग गए हैं आजकल, जो ब्लैकआउट में भी प्रिंट हो जाते हैं और ट्रांसलूसेंट में भी प्रिंट हो जाते हैं और कुछ सनस्क्रीन ब्लाइंड्स में भी प्रिंट हो जाते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसी प्रिंटिंग भी करा सकते हैं और कुछ कंपनीज की स्टैंडर्ड प्रिंट्स भी आती है। तो ये रोलर ब्लाइंड आ गई। इसके अलावा फिर एक प्लीटेड ब्लाइंड्स आती है, जैसे प्लेट्स जो बनी हुई रहती है, जैसे अपन साड़ी पहनते हैं तो प्लेट्स डालते हैं, उस तरीके से फैब्रिक में प्लीट्स डली हुई होती है, वो प्लीटेड ब्लाइंड्स आती है। और एक आजकल जो बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छी और बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो है जेब्रा ब्लाइंड। जेब्रा ब्लाइंड डबल लेयर फैब्रिक में होती है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ एरिया तो बोल्ड होता है फैब्रिक और बीच में उतना ही एरिया जालीदार होता है, सनस्क्रीन फॉर्मेट में होता है। तो एक फैब्रिक आगे की तरफ रहता है, एक फैब्रिक पीछे की तरफ रहता है, तो जब जाली के सामने जाली आ जाती है तो पूरा कपड़ा जालीदार हो जाता है। तो वो ऐसे समझ लीजिए 50% आपकी सनस्क्रीन ब्लाइंड बन जाती है वो। लेकिन जब जाली के सामने बोल्ड फैब्रिक या ब्लैकआउट फैब्रिक आ जाता है तो वो जो ब्लाइंड है वो 100% प्राइवेसी वाली या ब्लैकआउट टाइप की ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो एक बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी ब्लाइंड आती है वो है रोमन ब्लाइंड्स। रोमन ब्लाइंड्स में ऐसे स्टेप्स में लेयर लेयर बन के फैब्रिक ऊपर जाता है और ये पहले घरों में ज्यादा पॉपुलर थी, आजकल कहीं पे भी ऑफिसेस में, होटल्स में, किसी भी प्रमाइसेस में बड़ी जगह पे बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर और बहुत पसंद की जाती है। अब जो ब्लाइंड में प्रॉब्लम जो आती है, जो नॉर्मल यूजर्स हैं घर में जो ब्लाइंड्स लगवाना चाहते हैं और बहुत बड़े शहरों में जो लोग नहीं रहते हैं, बड़े शहरों में भी जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या चैलेंज आता है कि ब्लाइंड लगवाने के लिए सबसे पहले उनको एक प्रॉपर रिलायबल वेंडर ढूंढना होता है। फिर वो वेंडर आपके घर में आएगा, फैब्रिक के कलर वगैरह दिखाएगा, फिर आपको उनको ऑर्डर देना होता है, फिर वो बंदा वापस दोबारा ब्लाइंड लेके आएगा और आपके घर में ब्लाइंड लगाएगा। एक कंपनी है जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं, डेको विंडो। इस कंपनी की खासियत यह है कि ये लोग आपको एक सिंगल ब्लाइंड, अगर आपको एक ब्लाइंड भी चाहिए तो भी आप ऑनलाइन इनसे खरीद सकते हैं, तो ये आपके घर पर डिलीवर कर देंगे।
सबसे अच्छी बात है कि जो इनकी ब्लाइंड आएगी ये विथ कंप्लीट हार्डवेयर, जितनी तरीके के हार्डवेयर आते हैं सारे हार्डवेयर ये ब्लाइंड के अंदर पैक करके भेजते हैं। तो जब भी इनसे आप ब्लाइंड मंगाएं और ब्लाइंड निकालें डब्बे में से, तो ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो ब्लाइंड को लगाने के लिए जो हार्डवेयर और एसेसरीज जो भी है वो सारी उसी के अंदर रहती है। तो ऐसा मत करिएगा कि ब्लाइंड निकाले और फिर आप बाकी सारी चीजें फेंक दें और बाद में आप ढूंढते हैं कि हार्डवेयर कहां गया। तो ये पूरा कंप्लीट सेट आपको भेजते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये हार्डवेयर भेजते हैं ब्लाइंड के साथ, तो वो जो ब्लाइंड है वो आप वॉल फेसिंग मतलब वॉल पे दीवार पे या किसी कारण से आपको सीलिंग पे लगानी पड़ रही है ब्लाइंड, अगर आपके पास वॉल पे कोई स्क्रू वगैरह कसने की सुविधा नहीं है तो आपको सीलिंग पे लगानी पड़ रही है, तो वो भी दोनों जगह पे उस हार्डवेयर से आप ब्लाइंड को लगा सकते हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन है ब्लाइंड का ये काफी इजी रहता है, एकदम बिल्कुल इजी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन काफी इजी रहता है। आप खुद भी इसको लगा सकते हैं या आपके आसपास में जो आपकी अपार्टमेंट में आपकी सोसाइटी में आपके आसपास में कोई कारपेंटर हो अगर उससे लगवा सकते हैं, या आपके घर में भी कोई मेरे जैसा आदमी हो जो ब्लाइंड व्लाइंड लगा सकता है तो उससे भी आप लगवा सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आप खुद भी इसको लगा सकते हैं। और एक सबसे मजेदार बात यह है कि जो पर्दे लगाते हैं हम लोग, तो पर्दों के साथ भी आप ब्लाइंड को मिक्स एंड मर्ज करके लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है और आपके लिए यूजेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे आपने पर्दा हटाया तो आप थोड़ी ब्लाइंड रख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है आपको यूज करने में, और आपके इंटीरियर्स में भी चार चांद लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो पर्दों के साथ भी ब्लाइंड लगा सकते हैं। ये जो कंपनी है डेको विंडो, इन्होंने मार्केट रिसर्च करके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस फिक्स करी हुई है। तो ये अलग अलग ब्लाइंड में कुछ स्टैंडर्ड साइजेस में आपको ब्लाइंड सप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है। तो वो जो स्टैंडर्ड साइजेस है आप इनकी वेबसाइट पे या Amazon पे या Flipkart पे जा करके आप खरीद सकते हैं इनकी ब्लाइंड्स, और अगर आपके वो जो साइजेस जो है इनकी स्टैंडर्ड साइजेस है वो आपको सूट करती है तो, और अगर आपको स्टैंडर्ड साइज सूट नहीं करती है किसी कारणवश आपकी ब्लाइंड इनकी जो साइज है वो और आपकी खिड़की की साइज बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रही है, तो आप अपनी साइज से भी इनको ब्लाइंड का ऑर्डर दे सकते हैं। तो कस्टमाइज साइज में भी ये ब्लाइंड आपको बना के दे सकते हैं। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्लाइंड होती है वो नॉर्मली दो तरीके से लगती है, एक खिड़की के बाहर से बाहर, जैसे खिड़की खत्म हो गई और उससे दो तीन इंच बाहर इधर, दो तीन इंच बाहर इधर, और जहां पे ऊपर खत्म हो रही है उससे दो तीन इंच ऊपर, और जहां पे नीचे की तरफ खत्म हो रही है उससे दो तीन इंच नीचे। तो ये होती है आउटसाइड द विंडो, और एक दूसरी लगती है इनसाइड द विंडो, खिड़की के खांचे के अंदर परफेक्ट, वहां पे आपको बिल्कुल सही साइज की ब्लाइंड की जरूरत होती है। जैसे ये वाली जो ब्लाइंड लगी हुई है ये इनसाइड द विंडो लगी हुई है, और वो जो पीछे जो ब्लाइंड लगी हुई है ये आउटसाइड द विंडो लगी हुई है। तो आप जैसे आप चाहें वैसे उस ब्लाइंड को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अगर आपको इनकी साइज सूट कर रही हो तब तो आप स्टैंडर्ड साइज में आप ब्लाइंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आउटसाइड द विंडो हो तो स्टैंडर्ड साइज ज्यादा सूट करेगी, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इनसाइड द विंडो में क्या होता है, भारतवर्ष में कोई भी खिड़की की स्टैंडर्ड साइजेस नहीं होती है, किसी की भी खिड़की किसी भी साइज की हो सकती है। तो अगर खिड़की के अंदर जो गैप आता है, जैसे सपोज मान लो किसी कारणवश आपकी ब्लाइंड थोड़ी ज्यादा छोटी बन जाती है, तो जो साइड में गैप आएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप अपनी खिड़की में ब्लाइंड लगाने का सोचें तो जब आप मेजरमेंट लेंगे तो पहले चौड़ाई, खिड़की की चौड़ाई लीजिएगा, फिर आप ड्रॉप लीजिएगा। ड्रॉप थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ड्रॉप को आप खींच के इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए ब्लाइंड, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने इनको ब्लाइंड का ऑर्डर प्लेस किया और किसी कारणवश आपको ब्लाइंड पसंद नहीं है या कुछ दिक्कत हो गई, तो 15 दिन के अंदर अंदर ये स्टैंडर्ड साइज वाली जो ब्लाइंड्स है वो बिना किसी क्वेश्चन पूछे वापस ले लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि कहीं भी आप ऑनलाइन सामान जब खरीदते हैं तो कंपनीज के कॉस्ट होते हैं कुरियर वगैरह के, तो अगर आपको लगता है आप डबल श्योर हो तो ही खरीदिएगा, और वापस देना बिल्कुल ही बहुत मजबूरी हो या किसी तरीके की कंपनी ने कोई गलती करी हो तो ही आप वापस दिया कीजिए। लेकिन ये जो कंपनी है ये आपसे बिना कोई क्वेश्चन पूछे 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप ब्लाइंड वापस भेजेंगे तो आपसे वापस भी ले लेगी, ये बहुत अच्छी चीज है। अब मैं इनकी एक बहुत ही प्यारी ब्लाइंड है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी उसके बारे में बात करूंगा, वो है क्विल्टेड रोमन ब्लाइंड। क्विल्टेड रोमन ब्लाइंड का जो फैब्रिक है ये मेरे पास रखा हुआ है, इसमें इनके पास शायद मेरे हिसाब से 3 कलर्स है, वो कलर्स के बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो वो ये जो क्विल्ट्स बने हुए हैं इसमें जब आप ब्लाइंड बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक्सक्लूसिव आपके घर में लुक क्रिएट हो सकता है, और 100% ब्लैकआउट भी रहेगा, ये थिकनेस रहती है और गर्मी को भी अंदर ट्रांसफर नहीं होने देगी। तो ये बहुत प्यारी ब्लाइंड है,
तो ये भी आप देख सकते हैं। इनकी जो पूरी जो प्रोडक्ट रेंज मैंने देखी उसमें सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट और एक्सक्लूसिव अलग हटके जो प्रोडक्ट लगा वो मेरे को इनका ये जो क्विल्टेड रोमन ब्लाइंड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इनके जो इनका जो कैटलॉग आया सेट कार्ड आया उसके बारे में बात। तो ये रोलर ब्लाइंड के फैब्रिक है, देखिए आप जो मेजरली ब्लैकआउट फैब्रिक है, ब्लैकआउट फॉर्मेट में जो मेजरली जितने भी कलर चलते हैं ना, क्रीम, ब्राउन, ब्लू, मरून, ये सारे शेड्स इन्होंने कवर किए हैं। और ये थोड़ा जैकॉर्ड फॉर्मेट में ब्लैकआउट फैब्रिक है, ये भी बहुत सुंदर मुझे लगा फैब्रिक। और इसमें भी ये जो मेजरली जो कलर्स चलते हैं वो सारे फैब्रिक इन्होंने कवर किए हैं। और ये सबसे अच्छा है प्रिंटेड, प्रिंटेड भी ट्रांसलूसेंट फैब्रिक, जो ट्रांसलूसेंट फैब्रिक है उसमें प्रिंटेड फैब्रिक है। इसमें अभी तो शेड कार्ड में तीन ही डिज़ाइन थी, हो सकता आने वाले टाइम में इनकी और भी डिज़ाइन आए। ये बहुत प्यारी डिज़ाइन है, तो ये एक बहुत अच्छी यूनिकनेस है जो आप अपने घरों में या ऑफिस में ऐड कर सकते हैं। और ये है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, ये है सनस्क्रीन ब्लाइंड्स। सनस्क्रीन ब्लाइंड्स में काफ़ी इनकी रेंज वाइड है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे तो आप ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको जो चेक वाली जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइंस भी थोड़ी अलग हटके यूनिकनेस आपको ऐड कर सकती है। अगर आपके साउथ फेसिंग खिड़कियां नहीं है तो सनस्क्रीन ब्लाइंड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर और बहुत एक्सक्लूसिव लुक आएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इसमें। फिर ये आती है शेयर, अच्छा इसके बारे में मैं बात करने भूल गया, ये ब्लाइंड्स के साथ में अगर आपको जो पीछे की तरफ जो शेयर कर्टन लगाते हैं उसकी जगह पर आप शेयर ब्लाइंड्स लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं कहीं पर भी, घरों में, ऑफिस में, कहीं पर भी। यह है जेब्रा ब्लाइंड्स। जेब्रा ब्लाइंड्स में मेजरली तीन कलर चलते हैं, क्रीम, ग्रे और ब्राउन, और ये तीनों शेड्स इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप क्रीम कलर में बेज कलर जिसको बोलते हैं और ग्रे, और ये थोड़ा हल्का सा ब्राउनिश टोन में फैब्रिक है, ये आप ले सकते हैं। आपकी ऑनलाइन इनकी आप अमेजोन में देखेंगे तो आपको और भी रेंज दिख जाएगी। ये एक थोड़ा थिक सा चिक फॉर्मेट में है, चिक ब्लाइंड्स टाइप का फॉर्मेट है, ये भी बहुत अच्छा है, मोटा सा है और सेमी ब्लैकआउट है, ऑलमोस्ट ब्लैकआउट ही है। और ये बहुत रफ सा लुक अगर आपको कहीं पर देना हो तो ये आप इसमें दे सकते हैं। ये जो शेड्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो मेरे पास जो शेड कार्ड है उसमें जो शेड्स अवेलेबल है वो दिखाए हैं, हो सकता आने वाले टाइम में इनकी जो रेंज है वो और भी बढ़ जाए, तो वो आप ऑनलाइन जब आप बात करेंगे या इनसे, इनकी जो नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे बात करेंगे तो आपको और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो काफी अच्छी वाइड रेंज है, इन्होंने बहुत जो भी जितने भी कलर्स नॉर्मली जो लोगों को जरूरत होती है वो सारे इन्होंने कवर किए हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा। आपको लगेगी आपके जान पहचान में किसी को ब्लाइंड्स की जरूरत है, वो अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए ब्लाइंड्स खरीदना चाह रहे हैं, तो उनको ये वीडियो आप उनसे शेयर कीजिएगा। बाकी सारी चीजें सब ठीक है, आप घर में खिड़कियों में ब्लाइंड्स लगाएंगे तो भी ठीक है, पर्दा लगा लेंगे तो भी ठीक है, या और भी किसी तरीके से आप अपनी खिड़की को कवर करेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जिस मकान में आप खुद जीवन भर रहने वाले, आपका जो शरीर है उसको आप स्वस्थ रखिए। अभी बीमारी का समय चल रहा है, मुझे भी कोरोना हो गया था तो उसकी वजह से मैं काफी दिन तक आपको वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाया। तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए और मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथ को साफ करते रहिए, सैनिटाइजर्स का प्रयोग कीजिए, जो गवर्नमेंट बोल रही है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो डिस्टेंस मेंटेन करिए, और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, पैदल चलिए, सीढ़ियों का प्रयोग ज्यादा कीजिए, लिफ्ट का प्रयोग कम कीजिए। स्वस्थ रहिए, नमस्कार, जय हिंद।